हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़, आज मैं आई हूँ हेयर कटिंग के लिए। और ये जो सैलून है वो बारबा, ये आपका है लंका चौराहे के थोड़ा सा आगे, पहलवान लस्सी के थोड़ा सा आगे है ये। तो ये नीचे जो है इनका सेक्शन जो है वो मेल्स के लिए है, एंड ऊपर जो है फीमेल के लिए है। तो ये यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, और लेट्स सी, देखते हैं कि मुझे कैसा हेयर कटिंग मिलता है यहाँ पे। और इसके पहले मैंने वीडियो डाली थी स्टूडियो 11 की, तो आपने उस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। तो मैं फिर से हेयर कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करेंगे। मैं मिलती हूँ वीडियो को लास्ट में, तब तक देखिए मेरी कटिंग कैसी हुई है। गाइस, जो प्राइस है वो स्टूडियो 11 से काफ़ी कम था। वहाँ पे मेरे 800 के अबव लग गया था, और यहाँ पे मेरा लगा है 499। एंड मैं हेयर वॉश करके गई थी, तो इस वजह से 100 रुपीज़ मेरा और बच गया था। तो टोटल कॉस्ट था इनका 599, सो फिर मेरा 499 लगा है। और बॉय सेक्शन के जो हेयर कटिंग है और बियर्ड वगैरह जो भी आपको कराना है, बहुत ही कम डेज में है हेयर कलर वगैरह सब कुछ। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब पूरी फैमिली के लिए है, छोटे बच्चे से लेके बड़े, मेल फीमेल सब जा सकते हैं यहाँ पे, और सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड पे कर रही हूँ। किसी को अगर स्लो, मतलब जितना नॉर्मल रेंज में होता है, अगर उसमें वीडियो देखनी है तो मैं उसे अलग से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, ये मेरा ब्लॉग है तो मुझे बहुत लेंदी नहीं करना है। मेरे हेयर कटिंग के वीडियो पे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप फास्ट फॉरवर्ड मत करा करिए, नॉर्मल स्पीड पे ही रखा करिए अपने वीडियो को। तो अगर आपको नॉर्मल स्पीड में देखनी है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियो अलग से डालूँगी ताकि आप लोग उसको नॉर्मल स्पीड में आप देख सकें। इसको मैंने, मेरा ब्लॉग है इस वजह से मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है।
सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक और आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आ रहा होगा। मुझे भी सही लगा है, मतलब टॉप 10 में 8 पॉइंट मैं दे रही हूँ उसको। और अब आफ्टर वॉश पता चलेगा कि कैसा रहता है, ये सही रहता है कि नहीं रहता है। और इसके अलावा चार्जेस क्या है मैं बता दूँ, 499 चार्ज लगा है। आज संडे का दिन था तो मैं हेयर वॉश करके आई थी, तो 100 रुपीज़ मेरे वो बच गए हैं, तो 599 टोटल चार्ज हुआ। और बॉयज़ के सेक्शन में तो चार्ज कम ही है वहाँ पे, तो ओवरऑल या सही था। अब चलते हैं, थोड़ा सा मुझे शॉपिंग करनी है और फिर चलती हूँ घर। तो मैं अभी ले चलती हूँ आपको विशाल मेगा मार्ट जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, उससे पहले मैं जॉकी के शोरूम में चलती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मुझे कुछ हस्बैंड के लिए लेना रहता है, तो उनके लिए मैं लेती हूँ ड्रेस, देन उसके बाद में हम फिर मैं जाती हूँ अपने लिए कुछ शॉपिंग करती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाला धूप रहती है, तो मैं जूस वगैरह पीती हूँ, फिर उसके बाद में वीडियो का एंड हो जाएगा। तो मैंने इनके लिए लिया है, पता नहीं क्या लिया है, अब मैं चल रही हूँ। इसको मोटी को फ़ोन करें, पता नहीं कहाँ है, वो खा नहीं रही है मेरा। बाल ऐसा कट गया है कि मैं हेलमेट लगा रही हूँ तो बाल मुँह पे आ रहा है। ओहो, तो कैसे सही करें। इस टाइम गाइस मैं सुंदरपुर में रुकी हूँ और बहुत ज़्यादा धूप थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लगी थी, तो मैंने सोचा जूस पी लेते हैं। और यहाँ मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, वो कुत्ती आने वाली थी लेकिन आई नहीं वो तक। कैसे रुपए ग्लास दे रहे भैया? 30 बोले, महंगा नहीं दे रहे? 25 रुपए मिलता है ना, 5 रुपए एक्स्ट्रा बता रहे हैं। नहीं आप 30 ही लीजिए, वो नहीं भाव करना है इतना। तो गाइस यहाँ पे जूस पीने के बाद मैं जाती हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट में जाती हूँ, फिर वहाँ पे कुछ अपने लिए लेती हूँ, देन उसके बाद में मैं जाती हूँ मैक्स में जो कि चिगरा पे है, और वहाँ से कुछ अपने लिए लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ घर। आई होप गाइस आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पे कमेंट और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।